हेलो मैं जीपी दुबे आप लोगों को आईटीआई आइकॉन चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी डब्ल्यू में यानी कोल इंडिया में ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली हुई है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। अतः इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल आई टी आई को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें तो देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है डब्ल्यू के द्वारा नोटिफिकेशन फॉर इन्वाइटिंग अप्लीकेशन फॉर वन ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फ्रॉम आई टी आई पास्ट सर्टिफिक कैंडिडेट्स अंडर द अप्रेंटिस एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन एंड एन ए पी एस अप्रेंटिसिप स्कीम एट द डिफ़रेंट एस्टाब्लिशमेंट्स ऑफ डब्लू सी एल यानि डब्लू सी एल के अलग अलग इस्टमेंट्स में आई टी आई पास स्टूडेंट के लिए अब एक साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग निकाला गया है तो ये देखिए ट्रेड अप्रेंटिस आई टी आई पास के लिए जो निकाला है वो डब्लू सी एल के लिए है अब देखिए यहाँ पर जो दे रहा है ये ट्रेड दिया है ये डब्लू सी एल बलारपुर एरिया के लिए है ये दूसरे एरिया के लिए है इस तरह सभी एरिया का यहाँ दिया गया है तो देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का है 219 सीट है टोटल ड्राफ्ट्समैन सिविल का 28 सीट है इलेक्ट्रिशियन का 250 सीट है फीटर का दो सीट है मैकेनिक डीजल का 36 सीट है मशीनिस्ट का 12 सीट है मैसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का 9 सीट है और पंप ऑपरेटर का मैकेनिक का 16 सीट है सर्वेयर का 20 सीट है टर्नर ट्रेड का सत्रह सीट है वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक का छिहत्तर सीट है वायरमैन का चालीस सीट है यानी टोटल सीट सभी ट्रेड्स को मिला के नौ सौ पैंसठ है देखिए इस्टब्लिशमेंट है और इधर एड्रेस है ये सारा इस्टेब्लिशमेंट का ये नाम दिया है और सारा यहाँ एड्रेस दिया है कि कहाँ कहाँ पर कितना वैकेंसी है तो क्वालिफिकेशन आपका एनसीबीटी और एससीबीटी से आईटीआई पास होना चाहिए पहला है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट उसके लिए आई टी इन कंप्यूटर एंड ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट नंबर टू ड्राफ्ट्समैन सिविल इसके लिए आई टी आई ड्राफ्ट्समैन सिविल चाहिए इलेक्ट्रीशियन के लिए आई टी इन इलेक्ट्रीशियन चाहिए फीटर के लिए आई टी इन फीटर चाहिए मैकेनिक डीजल के लिए आई टी आई मैकेनिक डीजल चाहिए मशीनिस्ट के लिए आई टी आई चाहिए मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर के लिए आई टी मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर चाहिए पंप ऑपरेटर मैकेनिक के लिए आई टी एंड ऑपरेटर कम मैकेनिक चाहिए सर्वेयर के लिए आई टी सर्वेयर चाहिए टर्नर के लिए आई टी टर्नर चाहिए वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए आई टी एंड वेल्डर चाहिए वायरमैन के लिए आई टी वायरमैन और इलेक्ट्रीशन चाहिए तो यहाँ एलिजिबिलिटी दिया हुआ है कैंडिडेट शुड प्रोसेस नेशनल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एज़ इंडिकेटेड इन द एब टेबल थ्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकोगनाइज बाई एन सी बी टी और एस सी बी टी और कैंडिडेट शुड हैव फिजिकल फिटनेस एज़ पर द माइंस रूल्स नाइनटीन फिफ्टी फाइव यानी एन सी बी टी और एस सी बी टी से आई टी आई पास होना चाहिए और फिजिकल फिटनेस होना चाहिए मिनिमम एज एज ऑन इक्कीस नौ दो हज़ार इक्कीस इक्कीस नौ दो हज़ार इक्कीस को अठारह वर्ष होनी चाहिए फॉर कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज यानी मिनिमम अठारह वर्ष होना चाहिए द मैक्सिमम एज जो है इक्कीस सितंबर दो हज़ार इक्कीस तक पच्चीस वर्ष होनी चाहिए ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए और पाँच वर्ष का छूट ये रिलैक्स दिया जाएगा शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए और तीन वर्ष का जो छूट है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कैंडिडेट शुड फुलफिल प्रोविज़न ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट उन्नीस सौ इकसठ कैंडिडेट शुड हैव एन आधार कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए और एक वैलिड सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए और कैंडिडेट को शुड हैव रजिस्टर्ड एट द अप्रेंटिस ट्रेनिंग पोर्टल अप्रेंटिस ट्रेनिंग पोर्टल में उसका नाम दर्ज होना चाहिए अब देखिए स्टेटमेंट लिख रहा है तो कर रहा है कि एक वर्ष का जो ट्रेनिंग होगा वन इयर्स आई टी और एन जो है जो एक वर्ष का कोर्स कर चुके हैं उनके लिए सात हज़ार सात सौ पर मंथ दिया जाएगा एक वर्षीय कोर्स मतलब मैकेनिक डीजल के लिए सात हज़ार सात सौ पर मंथ दिया जाएगा और टू इयर्स कोर्स वाले जैसे इलेक्ट्रीशियन फीटर इत्यादि के लिए एस सी एन बी टी एन सी बी टी पास होंगे उनके लिए आठ हज़ार पचास रुपया पर मंथ अप्रेंटिसिप का स्टाइपेंट दिया जाएगा और पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है ट्वेल्व मंथ्स का है यानी बारह महीना का एक कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसिप का होगा यहाँ लिख रहा है नोट में लिख रहा है इट सेल नॉट बी ऑब्लीगेटरी इन द पार्ट ऑफ डब्ल्यू सी एल टू ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू एनी अप्रेंटिस हैज़ कंप्लीटेड ही और हर अप्रेंटिसिप यानी एक वर्ष अप्रेंटिसिप का ट्रेनिंग कर लेने के बाद ये एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी नहीं है नॉट सेल इट बी ऑब्लिगेट्री इन द पार्ट ऑफ अप्रेंटिस टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द डब्लू सी एल एक वर्ष का ट्रेनिंग खत्म होने के बाद डब्ल्यू सी एल में नौकरी की कोई गारंटी नहीं है और देखिए यहाँ रिजर्वेशन है रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट के अनुसार है उसे दिया जाएगा अब अप्लीकेशन प्रोसेस है इसे देख लें कह रहा है कि कैंडिडेट शुड हैव रजिस्टर्ड फर्स्ट एट द ऑफिशियल पोर्टल एट ट्रेड अप्रेंटिसिप डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट शुड भी अवेलेबल एट द पोर्टल डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट अप्रेंटिसशिप डॉट ओ आर जी इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन एस्टैब्लिशमेंट ओनली यानी एक ही एस्टैब्लिशमेंट में कैंडिडेट अप्लाई करेगा देखिए यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस दे रहा है यहाँ देखिए ये यह पहले स्क्रूटनी होगा अप्लीकेशन का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा देखिए कैंडिडेट कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर एस्टाब्लिशमेंट इज सिचुएटेड सेल बी गिवन फर्स्ट प्रिफरेंस इन ईच एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग सेलेक्शन यानी यहाँ पर इस्टबलिशमेंट है वहाँ के बच्चों का फर्स्ट सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्नड स्टेट उस स्टेट के सेल्फी गिवन सेकेंड प्रीफरेंस यानी सेकंड प्रीफरेंस उस राज्य के बच्चों को दिया जाएगा एंड कैंडिडेट्स आउटसाइड कंसर्नड स्टेट सेल्वी गिवन थर्ड प्रिफरेंस देखिए लिख रहा है डब्ल्यू सी एल ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन स्टार्ट्स ऑन 6 सितंबर 2021 10 एम मतलब 6 सितंबर 2021 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का 21 सितंबर 2021 5 बजे शाम तक जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे वो पूरा इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें उसके बाद ही अप्लाई करें कि कहाँ के कौन स्टेट के बच्चे और कौन डिस्ट्रिक्ट के भरेंगे और किस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा ये पूरा इसको समझ लें उसके बाद ही अप्लाई करें तो ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल आई टी को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें धन्यवाद